सो गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, चैप्टर नंबर सिक्स की एक्सरसाइज का, है ना, फ्रिक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज का। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। अब मास यानी 2 kg को अपन बाद में पुट करेंगे, फिलहाल इसको मैं m लिख लेता हूँ, ठीक है। इज लाइंग ऑन अ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू अपने को 30 डिग्री दे रखा है और m की वैल्यू अपने को 2 kg दे रखी है, ठीक है। अब और क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन। इस डायरेक्शन में फोर्स पूछा है, सच दैट द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, एंड पार्ट बी में लिखा हुआ है डाउन द इंक्लाइन, और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। जब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट दिया हो और काइनेटिक का न दिया हुआ हो, तो स्टैटिक और काइनेटिक दोनों को सेम मानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर म्यू एस या म्यू के अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिंपली म्यू इज इक्वल टू 0.2 रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका FBD बनाते हैं। सबसे पहले नीचे लगेगा mg, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, mg साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, mg कॉस थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अब y डायरेक्शन में, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में दो दो फोर्स लग रहे हैं, एन और एम जी कॉस थीटा, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाले डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एन बराबर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, अपन इसको अप द इंक्लाइन ले जाना चाहते हैं, और फोर्स कहाँ बताया था मैं आपको, पैरेलल टू द इंक्लाइन लगाना है। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स एफ लगा रहा हूँ मैं, तो इस एफ की वैल्यू कितने के बराबर होगी, सोचो। ये अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली म्यू इंटू एन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरे को ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तो इस एफ की वैल्यू कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन के बराबर होनी चाहिए। उससे बड़ी होगी तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, और उसके जस्ट बराबर होगी तो जस्ट बिल्कुल स्लोली स्लोली वो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी चाहिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू में आपको क्या बताया, एम जी कॉस थीटा बताया, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, है ना। एम जी बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 नहीं यार, जी की वैल्यू 10 लेने से ना इसका आंसर काफ़ी दूर आता है रियल, मतलब एक्चुअल आंसर जो पीछे दिया हुआ है। तो इसमें जी की वैल्यू आप 9.8 लो, तो एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। बाहर आ गया एम जी। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 31/2 होता है, प्लस म्यू कितना है, 0.2 है, और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये आएगा कितना, देखो, 2 × 9.8 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.5 प्लस, ये √3/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, तो √3/10, तो ये आ रहा है 13.19, है ना, 13.19, जिसको अप्रॉक्सीमेटली बुक में 13 न्यूटन लिख रखा है। तो पार्ट ए का आंसर 13 न्यूटन हो गया, ठीक, पार्ट ए। अब पार्ट बी को ध्यान से देखो भाई, पार्ट बी में अपने को डाउन द इंक्लाइन ले जाना है ब्लॉक को, तो इसके लिए अपने को इस म्यू एंड की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एफ मैक्स, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। म्यू कितना है, 0.2, एम कितना है, 2, जी कितना है, 9.8, कॉस थीटा कितना है, √3/2, ठीक है। सब कुछ को रखता हूँ, निकालता हूँ वैल्यू, तो 0.2 × 2 × 9.8 × √3 और √2, तो 3.39 की वैल्यू है, 3.39 मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल, 3.39, जबकि एम जी साइन थीटा कितना है, देखो एम कितना हो गया, 2 × 9.8 × 0.5 साइन थीटा है, तो 9.8 है, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। 9.8 का ड्राइविंग फोर्स है, जबकि अगर वो डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, है ना भाई। और मैक्सिमम कितना लग सकता है, वो 3.39,
तो क्या ये 3.39 रोक सकता है 9.8 को? नहीं रोक सकता है ना भाई, ब्लॉक तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको ब्लॉक को नीचे मूव करवाना है तो आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो सेकेंड पार्ट का आंसर यानी कि पार्ट बी का आंसर इसका हो जाता है 0। ठीक है, ख़त्म खेल। तो थैंक यू सो मच, बाय।